नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वैशाली जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले हाजीपुर के लिए काफ़ी दुखद खबर। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान का आज दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इस दुखद सूचना के मिलते ही हाजीपुर में शोक की लहर दौड़ गई। हाजीपुर स्टेशन चौक अनवरपुर चौक के पास लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर और मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रामविलास पासवान के प्रतिनिधि अभय सिंह ने बताया कि हाजीपुर और बिहार के अलावा देश में के साथ साथ उन्हें खुद काफ़ी बहुत बड़ा क्षति हुआ। हाजीपुर के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, साथ ही जो कार्यकर्ताओं का सम्मान उन्होंने किया, शायद ही कोई ऐसा नेता भविष्य में जन्म ले। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले ही रामविलास पासवान ने कहा था कि आपको सदा अपने साथ ही रखूंगा, आज वो छोड़कर चले गए। वहीं छात्र लोजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम यादव ने बताया कि रामविलास पासवान ने ही मुझे राजनीति में सम्मान दिया था और उनके कारण ही आज मैं राजनीति में हूं। मेरे लिए तो वो अभिभावक के जैसे थे। कुल मिलाकर हाजीपुर के जनता रामविलास पासवान के नहीं रहने से काफी शोकाकुल है। कल उनका पार्थिव शरीर पटना और हाजीपुर में लाया जा सकता है ताकि उनके अंतिम दर्शन हो सके। आपको बता दें कि रामविलास पासवान 1977 से हाजीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने रेलवे, दूरसंचार और खाद्य आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले का मंत्रालय संभाला, हाजीपुर को एक नई पहचान दी। मंडल कमीशन के दौरान उनका संसदीय भाषण ने ही उन्हें देश में दलित का सबसे बड़ा नेता बनाया था। आज वह हमारे बीच नहीं है। इस पूरे देश में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी ने उनके निधन पर शोक जताया है। उनके पुत्र चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा है कि पापा, आप जहां कहीं भी हो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। सरकार के चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो 1977 में राष्ट्रपति शासन के बाद जो यहाँ चुनाव हुआ, उस इमरजेंसी के बाद, उस चुनाव के बाद जो यहाँ से वह जीतने का सिलसिला शुरू हुआ, गिनीज बुक में दो दो बार यहाँ के लोगों ने उनका नाम अंकित कराया और वहाँ 77 से वो आए तब हाजीपुर के अपने माँ के समान, घर के समान जो वह स्थान दिया। और आज के देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल बिल्ट में वो अपना एक कहे जी इतना दिन रहे, हमारा कार्यालय नहीं बना है जब, और दो दो बार यहाँ के लोग भी उनको अपने पुत्र के समान मान करके गिनीज बुक में नाम लिखाने का कार्य किया। वो अपने रिकॉर्ड को खुद ही तोड़े जो यहाँ की जनता के द्वारा, और वह भी यहाँ की माँ मान करके जो सेवा किए हैं सदा अविस्मरणीय रहेगा। आज हम लोग पूरा बिहारवासी, वैशालीवासी तो मर्माहित है ही, आज पूरा देश उनके नाम पर आंसू बहा रहा है कि जो मंत्री जी अगर रहते तैयार होता हुआ होता, बहुत लोग आशा से रखे हुए था लेकिन नहीं है। उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और साथ ही इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और पार्टी के सभी लोगों को भगवान यह दुख सहने का ताकत दे, शक्ति दे, और उनका आत्मा, मुझे पूर्ण विश्वास है ये कहीं भी रहेंगे उनका आत्मा हाजीपुर के साथ रहेगा और देखेंगे जो यहाँ के लोग कैसे खुश रहते हैं, उसके लिए उनका आशीर्वाद यहाँ मिलते रहेगा। उनके आत्मा के शांति, जहाँ भी रहे आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आज हम लोग के बीच तो नहीं है लेकिन कठिन समय में हमें कितना भी कहना चाहते हैं, मंत्री जी चुनाव का बच गया था, ठीक है, ये अब भेजवा हुआ, आपको सोचते हैं ये किस कमेटी में बनाते, कैसे करते, हम कहे ना सर बहुत कर दिए, हमको अब ना चाहिए। और जिस समय एक वाक्य था विधानसभा के सेक्रेटरी को बुला करके कहे सर, ये अब भेजवा हुआ हमारे संसद प्रतिनिधि है, बुलाइए, बुलाए और जो वो कहे, हमको लगता है ये बहुत अच्छी था। और उनका जो हमसे कहे जब देश बाबू, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम अंत तक आपके साथ, आज जो वह कहे वह तो पूरा करके चले गए। लेकिन आज हम बहुत आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है।
इस दुख की घड़ी में पूरे हाजीपुर लोकसभा की जनता इस संकट की घड़ी में बहुत दुख में है, इसलिए कि हम लोगों के नेता हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किए। हाजीपुर के लिए उन्होंने GM ऑफिस दिया, हाजीपुर के लिए उन्होंने टेलीफोन का जाल बिछवाया। बहुत दुख की घड़ी में हम लोग हैं, इस दुख की घड़ी में हम लोग दुख संवेदना भी किए हैं। बिहार ही नहीं, वैशाली जो लोकतंत्र की जननी रही है, उसके सुपुत्र के रूप में जो राम विलास पासवान जी गरीब दलित चाहे किसी भी पार्टी में रहे, हम लोग उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। राम विलास पासवान जी जो स्नेह पढ़कर राजनीति समाजवाद आम आवाम के अधिकार हिस्सों के दिलवाने के लिए अंतिम व्यक्ति के लिए जो काम किए हैं, बहुत ही हम लोग अपने आप को उनके चले जाने से कहीं ना कहीं आम आवाम की बात देश में रखने वाले और सत्य की मार्ग और न्याय की मार्ग को अतिक्रमित करने वाले वैशाली की जनता आज अपने आप को अनाथ महसूस करती है। एक एक महीना में दो दो गरीबों की बात लड़ने वाले रघुवंश बाबू के बाद रामविलास जाने से कहीं ना कहीं वैशाली के लोग, हाजीपुर के लोग अपने आप को बहुत ही वो कहते थे कि जब मैं पढ़ता था तो लोग लोहिया जी और कर्पूरी जी के विचारधारा को मैं भारत के पटल पर लाना चाहता हूँ, मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम इस चीज़ को आगे बढ़ाओगे और भारत में एक ऐसा भी दिन आएगा जब दलितों को और पिछड़ों को उनको हक और अधिकार मिले। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के निधन से मैं बहुत मर्माहत हूँ। दलितों शोषितों पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रीय नेता थे, ईश्वर उनकी आत्मा की शांति दे तथा उनके परिजनों को दुख सहन की शक्ति दे। राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर मुकेश रोशन ने आज हरियाणा मंदिर में पूजा अर्चना कर महुआ विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर चुनावी बिगुल फूंक दिया। हाजीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर मुकेश रोशन ने बताया कि यह सीट पहले से तेज प्रताप यादव की थी, लेकिन पार्टी ने महुआ से उम्मीदवार बनाकर बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। मैं महुआ पहुंचकर तेज प्रताप यादव जी के कार्यों में और तेजी लाऊंगा, साथ ही हमारा मुख्य एजेंडा बेरोजगारी दूर करना और महुआ इलाके को इंडस्ट्रियल हब बनाने में सहयोग करना होगा। गौरतलब है कि डॉक्टर मुकेश रोशन पहले हाजीपुर विधानसभा सीट से, उसके बाद फिर महनार सीट से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्हें दोनों जगह से टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार राजद ने तेज प्रताप यादव की सीट देकर उन्हें उन पर भरोसा तो जताया ही है, साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी सौंपी है। सौभाग्य है कि महुआ की धरती पर काम करने का मौका मिला है। हम अपने नेता, हमारे अभिभावक लालू प्रसाद यादव जी एवं राजमाता राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी यादव जी के विश्वास को हम कायम रखेंगे और महुआ के हर एक नौजवान, हर एक अभिभावक का सम्मान करते हुए हम उनके साथ कदम से कदम मिलाने का काम करेंगे। प्रायोरिटी क्या होगी सबसे पहले जाने के बाद? पहला प्राथमिकता होगा युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए। हमारी सरकार जब बनेगी तो युवाओं को रोजगार दिलाएंगे और यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम करेंगे और जितना जो विकास किए हैं तेज प्रताप जी और उसको हम लोग आगे लेकर बढ़ाएंगे। शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ करेंगे, वहाँ औद्योगिक नीति लागू कर वहाँ पे हम लोग एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट कराने का काम करेंगे। पूर्व मंत्री विभूषण पटेल ने अपने पैतृक गाँव पटेरी बेलसर प्रखंड के नागवा में एक सामाजिक सभा का आयोजन किया, जिसमें वैशाली विधानसभा की बदली परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए इस बार के चुनाव में को धर्म युद्ध करार देते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत चुनाव व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ है। ऐसे में महागठबंधन के किसी भी पार्टी का कोई उम्मीदवार आए उसे आप सब वोट देना और उन्हें देकर जिताना। उन्होंने कहा कि हम वो नहीं जो बतासा के लिए मंदिर तोड़ दें। वहीं उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी यहां से नहीं तो कहीं और से जगह देगी, मगर उन्हें टिकट जरूर देगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार के चुनाव में वे परिवार धर्म नहीं बल्कि पार्टी धर्म निभाएंगे। उन्होंने कहा कि लोजपा जदयू के बीच जो
नोकझोंक या तामझाम चल रहा है वो सिद्धांत नहीं सिर्फ पर्सनल लड़ाई है, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भाजपा को जाता है। वैशाली गर्म है और सिर्फ वैशाली नहीं पूरा प्रदेश गर्म है, और ये जो लड़ाई होने वाली है उसमें ये सिर्फ कुर्सी का आदान प्रदान, मुख्यमंत्री का आना और जाना ये नहीं है। ये जो बिहार का चुनाव है ये देश को एक नई दिशा देने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आज हमने एक सामाजिक बैठक किया था, यहाँ कन्फ्यूजन में है लोग कि पटेल साहब को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमने सोचा अपने साथियों को ज़रूर कह दें कि भाई हमको तो टिकट मिलेगा ही और गठबंधन के साथ हम लोग हैं, अगर यह सीट गठबंधन को जाएगा तो हमको किसी दूसरी जगह से चुनाव लड़ना पड़ेगा, और इसी वजह से आज हमने कुछ अपने साथियों को बुलाया। तो कहाँ मेरा टिकट कट रहा है? नहीं नहीं, हमारा देखिए ना, हमारा है कि यार लड़ रहा है वो सारे देश में ये जाएगा और अंत में सारे देश में गांधी का जो सिद्धांत है उसको वो विजयी होगा और ये देश गांधी के चरणों में समर्पित रहे। राजापाकर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा कुमारी का गुरुवार को राजापाकर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस पर राजापाकर प्रखंड मुख्यालय कुशवाहा चौक स्थित राजद के पार्टी कार्यालय में जैसे ही पहुंची कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत फूल माला से किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन के तमाम जो लोग हमारे साथ हैं इस बार चुनाव में वो साथ रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 15 सालों बाद कांग्रेस को इसकी कहें कि इस सीट को एक महिला को दिया गया है और मेरा यहाँ से 15 साल का रिश्ता है जिसे मैं ज़रूर निभाऊंगी और जी जान लगाकर इस चुनाव को जीतने का काम करूँगी। कार्यक्रम के बाद वो जनसंपर्क अभियान निकल माननीय राबी देवी जी, इन सब के प्रति सीनियर सीनियर में जो भी हैं उनके सीनियर में भी सबके प्रति मैं आभार देती हूँ। मैम, इस बार के चुनाव में आपका मुद्दा कौन सा होगा, क्या मुद्दा लेकर चुनाव के मैदान में उतरेंगे? पहला मुद्दा तो बेरोजगारी की है नौजवानों का, दूसरा मुद्दा है महिला सुरक्षा, क्योंकि महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात है पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि यहाँ शेल्टर होम में भी महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो आम महिलाओं का क्या हाल होता होगा सो आप समझ लें। और ये आपको पता होगा ही कि जो सेल्टर होम कांड के बाद मंजू सिन्हा वर्मा जी के खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, पार्टी ने फिर उनको प्रत्याशी बनाया, ये भी हम लोग मुद्दा बनाए। और दूसरी बात, तीसरी बात है कि किसान बिल जो उन लोगों ने जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या करके पास कराया वो भी हमारा मुद्दा रहे। बेरोजगार युवाओं का पलायन जो हो रहा है प्रदेश से, इस विषय में आपका क्या कहना है? इस विषय में यही कहना है कि हमारा अभी जो वर्तमान समय है, अभी 60% नौजवान हमारे देश के वोटर, और ये हमारा देश नौजवानों का देश है, आज़ादी की आज़ादी हमारी बुजुर्ग हो गई है लेकिन देश हमारा नौजवान है, और नौजवान देश के लिए रोजगार बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इनकी लड़ाई लड़ेंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारे जो महागठबंधन के सम्मानित नेता है तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 10 लाख नौजवानों को नौकरी मिलेगी, तो वो सब हम लोग पूरा करेंगे, स्टेप बाई स्टेप फेज बाई सब पे ध्यान देंगे और सबका काम। जदयू नेता एवं लालगंज के पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ने लालगंज सीट बीजेपी के खाते में जाने की अटकलें तेज होते ही
अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया। मुन्ना शुक्ला ने मीडिया से कहा है कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि टिकट मुझे ही मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो या तो या लालगंज की जनता के साथ धोखा होगा। टिकट नहीं मिलने के सवाल पर मुन्ना शुक्ला ने कहा कि पहले तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो लालगंज की जनता इसका हिसाब जरूर लेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि मुन्ना शुक्ला लालगंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी भी हो सकते हैं। लालगंज में लोजपा कोटे से राजकुमार शाह वर्तमान में विधायक हैं और यह सीट बीजेपी अपने पाले में लेना चाहती है। हालांकि अभी तक इस सीट पर एनडीए के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, वहीं ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी लालगंज सीट अपने दल के संजय कुमार को सिंह को देना चाहती है। ऐसे में मुन्ना शुक्ला के पास निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच जाता है। गठबंधन और महागठबंधन दोनों का कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ है लालगंज में, जहां तक हमारी सूचना है। उम्मीद अभी भी करते हैं और उसके बाद ये लालगंज का आम आवाम तमाम नौजवान बुजुर्ग माता बहन सुन लिया कि टिकट नहीं मिला है तो यहां एक आक्रोश फैल गया है। लोगों का ये कहना है कि मुन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लालगंज का आम आवाम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि हमको लोग हाशिए पर छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए लालगंज के लोग, लालगंज के नौजवान, लालगंज के माता बहन बुजुर्ग सबको लालगंज के लिए, विकास के लिए, नौजवान को बेरोजगार के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए सब कुछ आगे बढ़ चुका है। और एक तरफा मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद और लालगंज इनकलाब करके खड़ा है। आप देख रहे हैं ये माहौल, आपके कैमरा में ये कैद हो रहा होगा। मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर सामने के चुनाव में पार्टियां हमको टिकट नहीं दी तो इसका जवाब लालगंज का आम आवाम तमाम नौजवान कस के देने को तैयार है, इनकलाब करने को। समय नीतीश कुमार जी 7 दिन के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय से हम लोग उनको सहयोगी बन के खड़े हैं और आज लालगंज का परंपरागत सीट जदयू रहा है और इस परंपरागत सीट को बीजेपी को देने का काम किए हैं। ये लालगंज के लोग की भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है, मजाक हुआ है, हाशिए पर चला गया लालगंज। ये लालगंज बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। जिस तरह से बीजेपी और लोजपा किसी को भी टिकट दे रही है, बीजेपी लोजपा किसी पर टिकट दे रही है उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि लालगंज के साथ दोहरा नीति अपनाया जा रहा है, इसके लिए लालगंज के तमाम माता बुजुर्ग नौजवान इंकलाब करने को तैयार है। क्या रहेगा कि आप निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे? अभी घोषणा तो होने दीजिए, फिर लालगंज का लोग तय करेगा क्या करना। लालगंज के नौजवान, लालगंज के माता बहन बुजुर्ग सब कुछ तय कर लेंगे, मजदूर किसान मिलके कि आगे क्या करना है। मुसलमानों के लिए कोई भी राजनीतिक दल उनका शुभचिंतक नहीं। अब समय आ चुका है कि मुसलमान स्वयं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अपना राजनीतिक दल बनाए, वरना इसी तरह सीए और एनआरसी का डर दिखाया जाता रहेगा। तमाम बातें मनार के सुल्तानपुर में आयोजित मुस्लिम सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्थानीय मुस्लिम नेता तस्नीम खान और बल्लू खान ने कहा। इस अवसर पर राहिल खान, अफजल खान, अयाज खान, जसीम खान, मंजर आलम इत्यादि ने एक राजनीतिक दल के गठबंधन का निर्णय लिया एवं राहिल खान ने इस कोष में 5 लाख रुपए दान करने की घोषणा भी की। माइनोरिटी बना करके छोड़ दिया, हमारी तादाद इतनी ज्यादा है, हम 20% के आसपास मेरी तादाद है, हमको माइनोरिटी में माइनोरिटी बना करके छोड़ दिया। आज देखिए हर कास्ट के लोगों को उसी के क्षेत्र के हिसाब से, उसकी आबादी के हिसाब से उसको टिक दिया गया, उसको सिंबल दिया गया। आप उठा के देख लीजिए कि जिस साल अभी जो गुजारे 30 साल मुसलमान 30 साल पीछे चला गया है। मुसलमानों को क्या किया? सिर्फ वादा वादा और वादा के सिवा कुछ नहीं। उस आबादी के मुताबिक किसी पार्टी ने हम लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, न देता है और आज तक नहीं दिया। तो हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया
और अखिलियत के लोगों का मीटिंग है, इसमें मुस्लिम में कोई मुस्लिम नहीं बचा, सारे अखिलियत के लोगों की मीटिंग है और हम लोग ये डिसाइड करेंगे। वो बात बन करके आएगी, उसके मुताबिक सबों ने कोई 15 साल किया था, फिर 15 साल हो गया तो 30 साल में तो कुछ। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, विकास को दीजिए याद, नमस्कार।